आचना। हाँ भाई, क्या चल रहा? सब बढ़िया? नहीं क्यों, तुमने भी आदि पुरुष का ट्रेलर देख लिया है? या टीजर जो भी था वो कुछ भी था वो? विक्रम वेदा देखी किसी ने? मैं कल रात को देख रहा था। तो भाई साहब, एक चीज़ समझ में आई मुझे, पहले तो कुछ नया नहीं है, बकवास करी थी सबने, फुद्दू काटा तुम्हारा। और दूसरा, एंडिंग तो चेंज किया करो यार, मतलब जो ओरिजिनल थे, मतलब डिट्टो है, डिट्टो, बस नए चेहरे हैं, सेम डायलॉग है, हिंदी डब वाले। और दूसरा, अगर तुम सेम ही करने वाले तो डब वाला ही निकाल देते, पैसे बच जाते। 350 करोड़ में 60 करोड़ कमा रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो, इससे अच्छा छोटी फिल्मों को स्क्रीन टाइम दे दो ना। नहीं, बट एंडिंग दोनों की सिमिलर रही है, जिस पर मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी विजय सेतुपति और आर माधवन एक दूसरे पर गन तान के खड़े रहते हैं और सवाल छोड़ के पूछ के चले जाते हैं। मैं टिकट भी मैं ही दूँ, हैं 2.5 घंटे फिल्म मैं ही देखूँ, और फिर क्वेश्चन का जवाब भी मैं ही दूँ? साले, जब सारे सवाल के जवाब तूने दिया तो तू देना वो जवाब। नहीं, उसके बाद फिर दूसरी बार फुद्दू काटने के लिए हिंदी में बना रहे हैं, बताओ, शर्म नाम की चीज़ नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फिल्म बेकार लगी, बट ठीक है, टाइम पास थी, और वैसे ही फ्री में देख रहे थे, क्या ही जाता है। बट उससे मेरे को आइडिया आया अल्टरनेट एंडिंग का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में जहाँ पे तुम्हें दया आ जाती है, या फिर लगता है कि हाँ नहीं नहीं यार, ये एंडिंग ना अलग होनी चाहिए थी। यकीन नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं कुछ नाम बताता हूँ, एग्री करोगे तो कमेंट करके बोलना एग्रीड, और अगर तुम्हें कोई और मूवी याद आ जाए तो मुझे नाम बता देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। मैं मेरी बात प्रूफ करने के लिए, मेरे पास सबसे पहली मूवी जो है वो तुमने पक्का देखी होगी, हिंदी में या जो भी तमिल तेलुगु होती है वो, उसमें गजनी। हाँ हाँ, कैसे मुझे तुम मिल गए। अब तुम्हें मालूम है गजनी में अशीन को गजनी मार देता है, जब संजय सिंह गान्या बताने जाता है कि मैं संजय सिंह गान्या हूँ, हाँ मैं अमीर हूँ, और लड़की को कभी पता ही नहीं चलता, साला मूवी के एंड तक ना यही रहता है यार, लड़की को बता तो देते कम से कम, बेचारी को पता ही नहीं कि उसका आशिक रईस था, साली ने अपनी गाड़ियाँ बेच दी थी इस बंदे के लिए, जबकि ये बंदा इस 4,000 गाड़ी खरीद लेता, वैसी टूरू लव अधूरा रह गया। कैसे मुझे तुम मिल गई। दूसरी मूवी जो मुझे लगता है, जो मैंने आज तक देखी नहीं, बट मैंने इतनी बार कहानी सुनी है ना कि मुझे याद है, पता है कहानी में क्या होता है, देवदास। क्योंकि अगर तुमने देवदास देखी है या कहानी पढ़ी है तो मैं मालूम है कि सैड एंडिंग है, जहाँ पे पारो से देवदास मिल नहीं पाता है और उसके चौखट पे जान गवा देता है। पारो, मैं आ गया हूं पारो। मैं यार, बंदा मर रहा है, बंदे से आखिरी इच्छा तो पूछ लेते, कम से कम बताने तो देते पारो को क्या क्या झेला उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहन के पकौड़े मुझे दुश्मन हजारों दे देते ना, बट चुन्नीलाल जैसा दोस्त मत देना, जबरदस्ती दारू पिला रहा, जब बंदे को पता है कि हाँ अभी पिएगा तो मरेगा। आज की टू जहाँ पे जो आदित्य रॉय का कपूर का, आदित्य रॉय कपूर का को कपूर, हाँ तो आदित्य रॉय कपूर आखिरी में तुम्हें मालूम है सुसाइड कर लेता है, जहाँ पे मुझे लगता है क्या जरूरत थी, बंदी इतना प्यार में मैडली लव सब कुछ छोड़ने को तैयार है तेरे लिए, अपनी सब कुछ, क्योंकि वो मानती है तेरे पे मरती है और तेरी वजह से सब कुछ है। नहीं नहीं, मैं उसकी खुशी के लिए मर रहा हूँ। साफ बोलना, दारू नहीं छूटी तेरे से, पी देना, बस हरकतें मत कर, गुस्से क्यों हो रहा है साला, इतना सा मेल ईगो लेके बैठा, दिल तोड़ दिया बेचारी लड़की का, साला मोस्टली केस में लड़कियों का दिल टूट रहा है। असीम को पता नहीं चला संजय सिंह अन्या का, यहाँ पे श्रद्धा कपूर को छोड़ के भाग गया, वहाँ पे सिर्फ एक दिल टूटा देवदास का कि पारो पारो मर रहा हूँ, मुझे मत मारो, भुला देना मुझे, तुझे। और एक ऐसी मूवी थी कॉकटेल करके, तुम्हें मालूम वहाँ पे डायना पेंटी कौन थी, वो दीपिका पादुकोण, दीपू दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान की ट्राइंगल सीरीज है, जहाँ पे मतलब बेसिकली कैरेक्टर तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस और तुम्हारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिफाइन कर दिया गया कि हाँ अगर तुम पार्टी करते हो, हाँ छोटे कपड़े पहनते हो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब ही है, तुम्हें कभी डिसेंट लड़का नहीं मिलेगा। मैं कहा ये क्या बात हुई है, अगर तू डायना पेंटी के पास जा रहा है जा, कोई दिक्कत नहीं है, दो दोस्तों के बीच में कर रहा, मैं प्राउड हूँ उस चीज़ के लिए, बट साला एंडिंग में दीपिका पादुकोण को भी कोई ढंग का दिलवा देते यार, क्या बुराई है। कल हो ना हो, सबसे बड़ी फुद्दू फिल्म लगी मुझे, हम सब लोग अलग बात है कि हम मर रहे हैं, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से। कल होना हो में क्या हुआ है, 6 दिन लड़की, इसको तो मैं एक और बार गली दूंगा मैं दूसरी वीडियो में, बट कल होना हो में शाहरुख खान सैफ अली खान के लिए प्रीति झंडा पटवाता है, बाद में पता चलता है कि मरने वाला है। इसके बाद प्रीति झंडा, मतलब ये तो निकल गया भाई साहब अपना काम करके, प्रीति झंडा सैफ अली खान को भी छोड़ देती है, सैफ अली खान लगा पड़ा दूसरी लड़कियों के साथ, प्रीति झंडा को क्या मिला, उल्लू उसको भी दिलवा देते,
और सोनाली बेंद्रे उसका उसका उनका उसका फ्यूचर क्या हुआ वो भी जानना है मुझे। साले कैरेक्टर पे काम कर, तुम सिर्फ हीरो हीरोइन पे काम कर रहे हो, वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो यार। मेरे को अलग एंडिंग चाहिए उसकी। वो दास्तां कल हो ना हो। और शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान की इतनी सारी फिल्में हैं ना जिसमें कमियां हैं, बट फिर भी हमें पसंद है। और ऐसी एक और फिल्म है कुछ कुछ होता है, क्या फुद्दू काटा सलमान का भाई साहब। मुझे सलमान के बारे में आज तक दुख है। पहले रानी मुखर्जी ले गया, फिर जिस बंदे की शादी है ना उसकी बंदी भी ले गया, और वो बंदा आज तक सिंगल घूम रहा है 40 साल का बोलकर। तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने। बस दिल से बोलो यार, तुम्हें चाहे कितना भी प्यार हो शाहरुख खान से, बट इस मूवी की एंडिंग में सलमान खान डिजर्व करता था कि नहीं करता था। साजन जी अपनी ही दुल्हन की शादी में नाच रहा है, साजन जी पे रो बैठ के, तू बन देवदास। हाँ तो ये कुछ फिल्में थी, बाकी और भी है बट अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही, छोटी वीडियो रखनी है। तो अगर मैं कोई फिल्म मिस कर रहा हूँ या तुम्हें लगता है कोई फिल्म है जिसकी एंडिंग अलग होनी चाहिए थी या डिफरेंट होनी चाहिए थी, लेट मी नो, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तब तो डाल देंगे, ठीक है। बाकी इन्जॉय किया तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे परसों, पीस आउट।